दुष्टशन इश्क और जमाई राजा के महासंगम में आज ही देखिए। निकलने का रास्ता क्या? हमारे पास तो कोई क्लू तक नहीं है। ट्विंकल, हम यहाँ से नहीं निकले ना तो मर जाएंगे। रोशनी बंदूक नीचे करो यार। 5 रोशनी 4 ये क्या मजाक है? बंदूक नीचे करिए। 3 रोशनी बंदूक नीचे करो। 2 What the hell यार, बंदूक नीचे करिए। 1 रोशनी for God's sake। आज तुम्हारा सिद्धार्थ तुमको मायूस नहीं करेगा रोशनी। Excuse me, सर, ये आपने इन्हें कहीं देखा है? ये यहाँ कहीं रहते होंगे ना? ये आदमी, हाँ वो रहा, वो वहाँ पर, वो देखो। आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। मैं आपको नहीं जानता। कौन है आप? मैं रोशनी, तुम्हारी रोशनी सिद्धार्थ। हम दोनों, तुम और मैं। ये मैं हूँ? हाँ सिद्धार्थ, तुम हो। नहीं नहीं, इट्स अ मिस्टेक, कुछ गड़बड़ है। देखिए, मैं आपसे आज तक कभी नहीं मिला। कोई गलतफहमी हुई है आपको, कोई कंफ्यूजन है। सिद्धार्थ प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं जानती हूँ शायद उस हादसे के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी सिद्धार्थ, बट ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें ठीक करूंगी सिद्धार्थ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। प्लीज घर चलो सिद्धार्थ, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा मैंने, और नहीं कर सकती सिद्धार्थ। आई कांट वेट एनीमोर, लेट्स गो सिद्धार्थ, लेट्स गो। देखिए देखिए, कोई बात है शायद जो आपको परेशान कर रही है? आपको कोई कंफ्यूजन हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं है सिद्धार्थ, तुम बस मेरे साथ चलो। ट्रस्ट मी सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी। लेट्स गो, प्लीज घर चलो सिद्धार्थ। जा और जाके भाभी के गले लग जा। अब खत्म करिए सारा खेल अपना, भाभी के साथ घर चला जाना यार। भाई तो उसकी हालत नहीं देख रहा कि। भाई तू जाके बता दे, नहीं तो मैं जाके बता रहा हूँ। पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? क्या करने जा रहा है तू? जानता है ना शबनम कितनी शातिर है? तू ये जानता है ना क्या कर सकती है वो? क्या करने जा रहा है तू? पागल है? रोशनी को खतरे में डालेगा तू? पिंटू, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। हम बहुत दूर नहीं है अपनी मंजिल से। कुछ दिनों की बात है, उसे बर्दाश्त करना होगा। तो तू सिट बन के क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास यार। मुझे रोशनी को एक उम्मीद देनी है। और तू देख,
उसी उम्मीद के सहारे है रोशनी लड़ेगी, एक शेरनी की तरह लड़ेगी, और तब शबनम के पास भागने के लिए जगह नहीं होगी। मैं सगाई के वक्त इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। सबको यही सजेस्ट करूंगी, अपना सामान बांध लो, यहाँ से चलते हैं। एक बार ये फालतू का फंक्शन वगैरह खत्म हो गया, फिर देखते हैं क्या करना आगे। चलो जी। जाओगी कहाँ बड़ी माँ? लौट के यहीं आओगी। अपने रघु के साथ इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा, बड़ी माँ। कोई कहीं नहीं जाएगा मॉम। What sense does it make, मुझे बता। नहीं मॉम, अब हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि यहां रहकर जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, उसका जीत जान से मुकाबला करेंगे, क्योंकि आज मैं अपने सिद्धार्थ से मिलकर आ रही हूं। उसे गले लगाकर आ रही हूं। और उस एक हग ने आज मुझे इतनी ताकत दे दी है कि मैं किसी से भी लड़ सकती हूं। तो इंतजार अब तुम करो शबनम, उस दिन का जब सिद्धार्थ वापस आएगा और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। 10 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर तुम इस घर से बाहर होगी। सिद्धार्थ की रोशनी का वादा है तुमसे। रोशनी दीदी, आपकी ये धमकियां रोज सुन के ना बोर हो गई हूँ। पिछली बार भी आपने यही कहा था, मेरे सिद्धार्थ का बर्थडे है, मेरा सिद्धार्थ आएगा। आया कौन? मेरा रखो। आप ना जल्दी से जाके डॉक्टर से अपना इलाज करवा लीजिए, क्योंकि इस बार आपकी कोई भी हरकत मुझे और मेरे रघु को एक होने से नहीं रोक सकती, है ना रघु? ठीक है, तो आज ये भी देख लेते हैं कि तुम्हारा झूठा प्यार जीतता है या मेरा सच्चा विश्वास। नहीं चुड़ैल आंटी, मैं जा रहा हूँ दोस्त ढूंढने। ये बाय 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 चुड़ैल आंटी, अब जाओ मैं जा रहा हूँ। नहीं जाना, यू हैव टू बी विद मी। तो ठीक है, ढूंढ ले अपने दोस्त को और एक आखिरी बार अपने दोस्त से मिल भी ले, क्योंकि आज तेरे दोस्त की जिंदगी की आखिरी रात है। He's gonna be dead.
हेलो मिसेज अनीता सरना। तो आप हैं वो? जी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मुझे आज रात को जो भी काम करवाना है वो आप ही सबसे अच्छा कर सकते हैं। वैसे आप जानते तो है ना कि आपको करना क्या है? डोंट वरी मैम, मैं कोई भी काम करने से पहले अपना पूरा होमवर्क कर लेता हूँ। आज आपके खास मेहमानों का मैंने खास इंतजाम किया हुआ है। आप बस कैसे भी करके उन दोनों को फर्स्ट फ्लोर पर कॉर्नर से थर्ड रूम में भेज दीजिएगा। एक बार वो लोग एंटर हो गए उसके बाद उनका जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। आप बस यहाँ पर पार्टी इंजॉय कीजिएगा और वहां पर जिसकी जान लेनी है उसका काम तमाम हो जाएगा। Well then, don't worry at all. मैं किसी भी तरह से उन्हें वहां भेज दूंगी। आप बस अपना काम ठीक से कर दीजिएगा। कैसे भी करके आप उन्हें ऊपर भेज दीजिए और मैं उन्हें सीधा ऊपर भेज दूंगा। Sure. चलता हूं। मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करने का नतीजा ट्विंकल और कुंज आज तुम दोनों साथ देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं करूंगी, खत्म कर दूंगी। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी और आज ही इस मां का बदला पूरा होगा। रघु, सगाई की रस्म पूरी कर ले। किसकी? रघु, हमारी सगाई। पहले नजर ना लगे हमरे बेटा और बहू को, बहुत सुंदर लग रहे हो। रघु, आओ मैं तुम्हें कुछ जरूरी मेहमानों से मिलवाती हूँ। जरूरी है? चलिए। बेवकूफों की तरह हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपने ही घर में आई एम फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। पता नहीं सिद्धार्थ कब लौटेगा। एक बार वो वापस आ जाए तो धक्के मार कर इनको बाहर निकाल। हाँ, देखा तो है। मैंने वही सोचा कि ये तो सिद्ध खुराना ही है, पर उसे मरे हुए तो 6 महीना हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके पीछे जाके पता तो लगाओ, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गई और मैंने क्या देखा है पता? वो एक रूम में घुस रहा था। आंटी, आप मुझे उस घर तक लेके जा सकती हैं प्लीज? हाँ, पर मुझे क्या मिलेगा? आप जो बोले मैं वो दूंगी। अच्छा, चलो। आज भी अपने सिद्धार्थ को ढूंढ निकालूंगी और फिर मैं उस शबनम को नहीं छोड़ूंगी। बड़ा सगाई करने चली है ना आंटी, हमें इस एंगेजमेंट को रोकना होगा। कैसे? सीरियसली कैसे? जब दो बुरे लोग मिल जाएं तो क्या कर सकते? लगा नहीं था कि रघु ऐसा करेगा, बट आई डोंट नो। जब तक सिद्धार्थ रोशनी को नहीं मिलता कुछ नहीं हो सकता, तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो सकती। आंटी, अगर मैं आपको कहूं कि रघु रघु नहीं सिद्धार्थ है तो? ऑनेस्टली कह रही हूं, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था। 3-4 बार मैंने बोला भी, बट देन पता नहीं कृतिका जिस तरह से वो बात करता है, उसका रहन सहन, इट्स सो ग्रोस। तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हें लगता है वो गवार तुम्हारा भाई हो सकता है? आंटी, एक बात सोचिए,
अगर सिद्ध अभी तक जिंदा होता तो सामने क्यों नहीं आया? आंटी कुछ तो है जो मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो आंटी हमें एंगेजमेंट रोकनी ही होगी। हाँ शबनम जी। हाँ? सुसु आया है। ओए क्या बात है? कौन से भूत का साया चढ़ गया सर के ऊपर? कहाँ गायब हो बैठे आप? तुम्हें क्या मतलब उससे? सगाई है ना तुम्हारी आज, उसी पे ध्यान दो ना। मेरे मामले में क्यों टांग अड़ा रहा? इस दिन का तो बहुत दिनों से इंतजार था ना तुम्हें। जलन की बदबू अब तक आ रही है। हाँ मैडम जी, परछाइयों का पीछा नहीं किया करते, हाथ कुछ नहीं आता। इतनी सी बात आपको पता नहीं? पहले नहीं पता था पर अब बहुत कुछ पता है। क्या पता? का पता है? मारे का रोशनी जी का पता है आपको? क्या पता है इसको? प्रतिका सुनो, देखो मैं जैसा बोल रही हूँ प्लीज वैसा ही करना। वो जो बुढ़ी आंटी थी ना, उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से सिद्धार्थ को सुंदरी आंटी के घर जाते हुए देखा है। और अगर ऐसा है तो ये भी सच हो सकता है कि रघु ही सिद्धार्थ है। मैं बाहर संभालती हूँ, तुम प्लीज पता करने की कोशिश करो कि रघु की सच्चाई क्या है। डोंट वरी, मैं पता करती हूँ कि रघु की सच्चाई क्या है। I'll see you. Yeah. अरे कितना गिरेंगे आप? ऐसा ही होता है ना जब किसी और का घर औंधा उजाड़कर अपना आशियाना बनाया जाता है।
ट्विंकल, कैसे हो आप लोग? रोशनी भाभी मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिड अपने बचपन के दोस्त को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल क्या कहता है रोशनी? जो कुछ भी सच है ट्विंकल, आज अपने आप सामने आ जाएगा। लॉकेट तो सिट का है, इसका मतलब रोशनी सही कह रही थी। बैठूं? क्यों बैठूं मैं?
चुड़ैल आंटी, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, पहले ये बताओ। युवी देखो, तुम्हें थोड़ी देर इसी रूम में यहीं बैठना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम्हें लेकर जाओ। नहीं, मैं यहाँ क्यों रुकूंगा, मुझे अपने दोस्त और ट्विंकी के पास जाना है, मुझे प्लीज जाने दो। युवी थोड़ी देर तक तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं कह रही हूँ मैं वापस आके तुम्हें ले जाऊंगी। चुड़ैल आंटी, आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? युवी प्रॉमिस, आपको कभी परेशान नहीं करेगा युवी, पर अभी जाने दो। मैं युवी को पनिश नहीं कर रही हूँ, मैं कुंज और ट्विंकल को पनिश कर रही हूँ। और ऐसे में मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उनके आसपास भी कहीं भी नजर आओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। आप बैड आंटी हो, प्लीज मुझे दोस्त के पास जाने दो। युवी प्लीज। सॉरी युवी, मैं तेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। आज ट्विंकल और कुंज पर ऐसा जानलेवा हमला होगा कि वो दोनों जान बचाकर निकल नहीं पाएंगे। अब मुंबई की भीड़ भाड़ वाली पार्टी में किसी पर ऐसे जानलेवा हमला होता भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हो सकती। आज मैं तेरी इस हालत का बदला लेकर ही रहूंगी युवी, और आज तेरी मॉम को बहुत अरसे बाद चैन की नींद आएगी। कुंज और ट्विंकल की कहानी का दी एंड तो आज होकर ही रहेगा, और उनकी मौत का स्क्रीन प्ले लिखूंगी मैं। नहीं रोशनी बाबू, एक मिनट, मैं इसके साथ, ये मेरे साथ, हम दोनों, यू आर द यंग कपल हियर राइट, चलो कम ऑन, तुम लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? कैसे शर्मा रहे ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत दिल से डांस कर रही हूँ। मेरा बस चले ना तो डांस करना तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल भी ना देखो। दूर ही तो रहना चाहता हूँ तुझसे, पर क्या करूं, मेरी फूटी किस्मत। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम मकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, हो, हो। चाहे जनाना या मर्दाना हो, 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 हो। नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वे मुझे पासा तेरी ऐसी की होता से जिंदगी, मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वे मुझे पासा चिरगुट जिंदगी, यू नो दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दो प्यार करने वाले लोग दिल हथेली पे लेके घूम रहे। How sweet were you guys? Thank you. अब Twinkle, just excuse me, I'll just come. हथेली में दिल रखने के लिए दिल चाहिए जो तेरे पास नहीं। इन शॉर्ट तू मेरी बात करो। हद है यार। मतलब लोगों को किस एंगल से लगता है कि हम दोनों कंपैटिबल? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तेरे साथ? Exactly. रोशनी भाभी भी ना जबरदस्ती, how cute, कितना प्यारा कपल है, बोल के जबरदस्ती मुझे तुम्हारे साथ डांस करवा दिया। मुझे भी ना शौक नहीं है तेरे साथ डांस करने का। तेरे साथ डांस करना ना शौक था, शौक समझ रही, जबरदस्ती का डांस। बाबा जी, ये कैसे बंदे के साथ आपने मेरी जोड़ी बना दी? हाँ यही बाकी रह गया था,
मुंह की बात छीन ली तूने मेरी। सेम क्वेश्चन बाबा जी, इस स्यापा क्वीन ही मेरे पल्ले बांधनी थी। एक तो तुम मुझे ये स्यापा क्वीन कहना बंद करो, समझे? हाँ तो क्या बोलूं तुझे, क्वीन? Not bad. Actually अच्छा लगेगा ना, ट्विंकल तनेजा द क्वीन। ट्विंकल तनेजा द क्वीन, मिस अमृतसर में ब्यूटी क्वीन क्या जीते, खुद को मिस यूनिवर्स समझने लग गई, कमाल है मतलब। कुंज, ट्विंकल, मैं बहुत वक्त से यूवी को ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ आया था क्या? यूवी तो आपके साथ है ना? अरे आजकल वो मेरे साथ कहाँ रहता है, उसे तो 24 घंटे दोस्त बस दोस्त ही चाहिए, जब भी देखो तुम्हें ही ढूंढता रहता है, इसीलिए पूछ रही हूँ कहीं देखा क्या? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यूवी मेरे साथ भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी नहीं है, तो फिर कहाँ जा सकता है? एक तो यूवी की हालत वैसे इतनी नाजुक चल रही है, कहीं वो खो, नहीं नहीं यूवी खो नहीं सकता, प्लीज तुम उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ ना, प्लीज। मैं यूवी को ढूंढ के लाता। एक्सक्यूज मी, कहीं आप लोग उस इंसान के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं जो दिमाग से, सॉरी टू से, बच्चे जैसा है, गुड लुकिंग, गुड हाइट, थोड़ा सा स्टबल लुक? मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे फर्स्ट फ्लोर पर कॉर्नर से थर्ड रूम में जाते हुए देखा है। पर ऊपर का रास्ता तो टेरेस को भी जाता है, कहीं मेरा यूवी नहीं, नहीं प्लीज कुछ तुम कुछ भी करके जल्दी से यूवी को ढूंढ के लाओ प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, मैं यूवी को लेके आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इट मेक्स मोर सेंस टू बी टुगेदर, मैं अकेले रह के कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी माँ ने जिंदगी भर तेरी पूजा की है, बहुत श्रद्धा है उसके दिल में आपके लिए, उसकी दुआ कबूल कर लीजिए। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसका सिद्धार्थ उसे वापस मिल जाए, लौटा दीजिए उसे उसका सिद्धार्थ प्लीज। बड़ी माँ, बाहर तुम्हारी सौतेली बेटी की सगाई चल रही है और तुम यहां भगवान से वो मांग रही हो जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। रोशनी ने तुमसे एक बार ये क्या कह दिया कि मेरा सिद्धार्थ वापस आ गया है, तुम लोगों ने दिल पे ले लिया। बताओ भगवान भी क्या सोच रहे होंगे, इन लोगों को कंधे पे बिठाया, इन लोगों ने तो कानों में इतना शुरू कर दिया। कमरे से बाहर निकलो, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट। चौप मेरे साथ बाहर चलो और तुमसे जितना कह रही हूँ ना उतना करो, एक अच्छी माँ की तरह मेरी सगाई में शरीक हो जाओ। माना मेरा होने वाला पति सिद्धार्थ नहीं है पर उसके जैसा तो दिखता है ना, अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं तुमसे करने के लिए कह रही हूँ तो कल सुबह का नाश्ता घर पे नहीं सड़क पे करोगी, चलो मेरे साथ। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी मॉम को, इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी? लिसन शबनम, अभी के अभी यहीं से निकल जाओ, नहीं तो ऐसी हालत करूंगी ना नाश्ते के बारे में तुम भूल जाओगी, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा रोशनी। तुम तीनों को देख लूंगी मैं, एक बार मेरी एंगेजमेंट हो जाने दो। जस्ट गेट आउट, अभी तो इसकी सगाई नहीं हुई है तो ये हाल है, सगाई हो जाएगी तो पता नहीं कैसी गुंडागर्दी करेगी ये लड़की। सगाई होगी ही नहीं मॉम, अब देख लेना। चलिए यार बात कर, अरे कब से इनका फोन आ रहा है, बात कर। हेलो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, मिनटों में निकलना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। जब
रघु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर है? हमको क्या पता, अचानक पता नहीं कहाँ निकल गया। ये सब कहाँ हो रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है। कर लो अपने अंत की तैयारी शबनम। ये तस्वीर ऋत्विक, मुझे पता ही नहीं था कि तुम आने वाले। व्हाट अ सरप्राइज। वेल, इसीलिए तो ये सरप्राइज था। और ये बच्चे कौन है भाई? वेल, ये हमारे छोटे-छोटे ड्रामेबाज हैं, फ्रॉम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। हमारे सुपर 16 के जो ड्रामेबाज हैं, उनमें से ये चार ड्रामेबाज हैं जो यहां पर अपनी ड्रामेबाजी आपको दिखा रहे हैं। आई होप यू गाइस लाइक इट। ऑफ कोर्स, दे आर मिनी बॉम्ब्स। हां, कंप्लीटली। या वो कहते हैं ना, छोटा पटाखा बड़ा धमाका टाइप। राइट। या दे आर ब्रिलियंट। एंड बिलीव मी, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। बिकॉज हमारा जो शो है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, वो शुरू हो रहा है आज से, यानी कि 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे एवरी सैटरडे संडे। प्लीज आप लोग देखें, आप भी देखेगा, आप सब लोग भी देखिए, आप सब लोग जो घर पे बैठे आप भी देखिए, मजा आएगा आप लोगों को। यस, करने का सवाल ही नहीं है, हर कोई देखेगा। कौन सा शो, व्हाट वाज़ द शो कॉल्ड? स्पेशल प्रेजेंटिंग इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज को पावर्ड बाय पतंजलि दंत कांति। ओके, ये क्या है गुण? ये तो कोई भूल भुलैया जैसी जगह लग रही है। I think इन्होंने पार्टी के लिए मेज बनाया हुआ है, just for fun। कोई गेम टीम होगा या कुछ। I think यूवी को पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई गेम रूम है और वो यहाँ आ गया होगा। ट्विंकल, अगर यूवी यहाँ आ गया ना, तो वो बेचारा घूम गया होगा, डर गया होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। यूवी, 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 देख तेरा दोस्त आ गया है। यूवी हमारी आवाज सुनाई दे रही है। यूवी, हम कैसे ढूंढेंगे यूवी को? यहाँ से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंट्री कहाँ से और एग्जिट कहाँ से? यूवी, यूवी कहाँ हो तुम? यूवी, यूवी तुम यहाँ आओ। यूवी, 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 यूवी कहाँ हो? यूवी, 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 यूवी हमारी आवाज सुनाई दे रही है। यूवी कहाँ हो तुम? यूवी, 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 कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं इसे? कुछ देखो, कुछ ट्विंक, ट्विंकल, कुछ तुम कहां गए? ट्विंकल, कुछ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, कुछ कहां हो? ट्विंकल, कुछ तुम कहां रह गए? कुछ, कुछ तुम कहां? कुछ कहां हो तुम? कुछ, कुछ, Thank you.
मॉम आंखें खोलिए मॉम, कम ऑन आंखें खोलिए मॉम, मॉम मॉम आंखें खोलिए मॉम, आंखें खोल के देखिए मॉम, जिसका आपको इंतजार था वो आपकी आंखों के सामने है मॉम, आपका बेटा आपका सिद्धार्थ वापस आ गया है मॉम, आंखें खोलिए मॉम, कम ऑन ओपन योर आईज मॉम, मॉम क्या कर रही है, बंदूक पीछे रखिए। नहीं, अगर तू मेरा सिर नहीं है ना तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं, अगर तू ये बंदूक नीचे रखिए पागल बने। तो जो तुम कर रहे हो वो क्या, करे तो करे क्या, कोई ऑप्शन बचा उनके पास, उनका बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, तो अगर देखा जाए तो हम दोनों के पास जीने की कोई वजह ही नहीं है मॉम। कि मैंने इस जन्म में सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार किया था और सिर्फ उसी से प्यार करूंगी, तो अब सिद्धार्थ ही नहीं है तो हम जी के क्या करें, तुम्हें तो कोई लेना देना नहीं है ना,
आजाब सजना, आजाब सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना। ठीक है ना? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर यूवी यहां नहीं तो उस आदमी ने हमसे झूठ क्यों बोला? लेकिन अब हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। रोशनी बंदूक नीचे करो यार। फाइव रोशनी Four. ये क्या मजा के बंदूक नीचे करिए। थ्री रोशनी बंदूक नीचे करो। टू What the hell यार बंदूक नीचे करिए। वन रोशनी फॉर गॉड्स सेक। मैं सिखा दूं। मैं सिद्धार्थ खुराना हूं, तुम्हारा पति, इनका बेटा मैं हूं। अब भगवान के लिए बंदूक पीछे रखिए। रोशनी बंदूक पीछे करो। मॉम मेरा सुन, मुझे पता था, मुझे पता था कि यही मेरा सुन है। देखा रोशनी, हमारा सिन वापस आ गया। सेठ, जा बेटा, जा अपनी बीवी को मना, जा रोशनी, भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे को वापस ले आया मेरे पास। भगवान सब सब कुछ अच्छा कर दे, सारी खुशियां हमारे साथ ले आ, सारी खुशियां हमें दे दे भगवान। और जो प्यार करने वाले हैं ना, उन्हें मुसीबत से हमेशा के लिए दूर कर दे। कोई है यहाँ? हमें कोई सुन सकता है? कोई है? कोई तो रास्ता होगा। आंखें जल रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये कुंजी क्या है? बंदूक, गैस, ये यहाँ कैसे? ट्विंकल, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलने का रास्ता क्या? हमारे पास तो कोई क्लू तक नहीं है। ट्विंकल, हम यहाँ से नहीं निकले ना तो मर जाएंगे। ट्विंकल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे मरने नहीं दूंगा। सजना वे। और मैं तुम्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का। <ये। coughs>
रास्ता होगा यहाँ से निकलने कोई तो। एसी डॉक्टर, हमारे निकलने का यही रास्ता है। ट्विंकल 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 कम ऑन ट्विंकल, तुम भी जल्दी आ जाओ। कुछ 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 तुम भी जल्दी आओ। कुछ ट्विंकल तू आगे बढ़, मैं आ रहा हूं। रोशनी, 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 मेरी बात सुनो। रोशनी, रोशनी, listen to me। रोशनी, रोशनी, सुनो, सुनो, मुझे बात करने का मौका तो दो। रोशनी, I'm sorry, I'm really very... You aren't sorry. तुम इतने दिनों मेरे पास नहीं थे, तुम्हें अंदाजा भी है मेरे ऊपर क्या बीती थी? सिद्धार्थ, पूरी फैमिली एक एक पल तुम्हें ही याद करती थी। मैंने एक एक पल एक एक साल की तरह बिताया सिद्धार्थ तुम्हारी याद में। और तुम जब आए तो एक स्ट्रेंजर, तुम्हारे पास होते हुए भी तुमने मुझे अपने आप से इतना दूर रखा। मैं तुम्हारे पास थी सिद्धार्थ, तुम्हें तुम्हें फिर भी छू नहीं सकती थी। क्यों मैं रोती थी सिद्धार्थ तुम्हारे सामने, तड़पती रही, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने पास रहते हुए भी तुमने तुमने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा सिद्धार्थ। How could you? और तुम्हें लगता था सुखी है, तुम्हें लगता है it's all fine, एक सॉरी बोल के सब ठीक हो जाएगा। You think it's all okay? नहीं सिद्धार्थ, इतने दिन तक तुम मेरे साथ रहते रहे सिद्धार्थ, मैंने इतने मौके दिए बोलने के, तुम तब क्यों नहीं बोले? क्यों इतना तड़पाया मुझे सिद्धार्थ? क्यों तुम्हें तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया सिद्धार्थ? मैं कितना रोई हूँ तुम्हारे लिए सिद्धार्थ, मैं कितना तड़पती थी तुम्हारे लिए। क्यों तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? क्यों मेरे बिना जीने की आदत पड़ गई है क्या सिद्धार्थ? हर पल तुम्हें याद करती थी, हर पल भगवान से यही मांगती थी मेरा सिद्धार्थ वापस आ जाए। हर पल तुम्हारा इंतजार किया मैंने सिद्धार्थ, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई? ऐसा मेरी मॉम जेल में थी, नानी की इतनी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है इन बातों से। क्यों सिद्धार्थ, क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? पूरी फैमिली मेरी आंखें बिछाए इंतजार करती थी अपने घर के जमाई को। मैं एक बार तो सोच लिया होता सिद्धार्थ, एक बार सोच लिया होता प्लीज, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? I hate you, Siddharth. I hate you, Siddharth. I hate you. I hate you. गैस डक में भर रही। ट्विंकल जल्दी चल, यहां से डक में गैस भर रही है। रास्ता निकलेगा, तुम आगे बढ़ती रहो प्लीज। तेरे मत न था, तेरे कुछ नहीं होगा। ट्विंकल कम
कोई खेल खोलो खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो चुड़ैल आंटी दरवाजा खोलो यूवी को डर लग रहा है चुड़ैल आंटी यूवी को दोस्त के पास जाना है खोलो के पीछे से आवाज यूवी यूवी तो बाहर है यूवी दरवाजा खोल यूवी कोई है खोलो मतलब दोस्त यूवी के पास जा सकते हैं वाओ ट्विंकी, 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 तू, ट्विंकी हाथ दे, हाथ दे। से पहले कुछ सोच तो ले पांच साल के बच्चे का दिमाग है उसका उसे क्या पता वो क्या कर रहा है घबरा गया होगा हमें इस हालत में देख के दरवाजा बंद कर दिया होगा हो गया होगा यार तो ये मत भूल कि इसी की वजह से हम बाहर निकले आज दोस्त आई एम सॉरी यू बी सॉरी तो तुझे मुझे सच में नहीं पता तू पीछे आ रहे तो मैं ठीक मुझे कुछ नहीं यू बी प्रॉमिस ट्विंकी ने मुझे मुझे मत अब तक तो मुझे भी तुझ पर सिर्फ शक था यूवी लेकिन आज की तेरी इस हरकत के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि तू सिर्फ एक्टिंग कर तू बिल्कुल ठीक मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ बस अब मैं तुझे एक्सपोज करके ही रहूँगी यू वेट एंड वॉच यूवी अब तेरी गेम का दी एंड मैं करूँगी रघु तुम इस रोशनी के साथ क्या कर रहे हो कहाँ थे तुम अब तक इनके साथ हम क्या कर रहे हैं भैया अरे हम तो पिंटू के साथ थे अरे भैया हम बैचलर लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे थे कल को शादी हो गई तो आप जैसी लड़की हमको छोड़ेगी थोड़ा ही तो हम पिंटू से मिलने के लिए गए थे ये कहाँ थी क्या करी थी हमें क्या लेना हमारा कोई सरोकार थोड़ी है इनके साथ में अच्छा अच्छा पहले भी बहुत देर हो चुकी है अब चलो जल्दी से सगाई कर लो हाँ हाँ रखो चलो हाँ चलिए चलिए सगाई कर लेते कर लेते रूम में लॉक कर दिया था और यूवी इतना डर गया था यूवी देखो ऐसा नहीं है
आप देखो मैं आपको कैसे पनिश कर रहा हूं। देखो आप तुम्हारी सगाई मेरे साथ हो रही है, उसके साथ नहीं। हाँ तो चलो 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 फिर से गिर गई ना तुम। मुझे छोड़ दे, मैंने क्या किया है? चुड़ैल आंटी, आपने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश क्यों करी? हाँ क्यों करी? बोलो बोलो, बताओ क्यों क्यों करी? क्यों बोलो? तू कर क्या रहे? दिमाग खराब हो गया तेरा? यूवी माय तेरी बिहेव बस यूवी बस बस आप सबसे मैं माफी मांगता हूं। सॉरी। मुझे पूरा यकीन है ये सब यूवी का ड्रामा है, नाटक कर रहा है। ट्विंकल, तुम्हें अभी भी लगता है कि ये झूठ बोल रहा है? अपनी मां पे हाथ उठाया उसने। कुछ तुम ट्विंकल की बात क्यों नहीं सुन रहे? उसे पूरा यकीन है कि ये ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फॉर अ चेंज मेरी बीवी गलत। गलत क्यों भी, चल I suppose you should also leave now. थक्के मार कर निकालेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? Good day. I'm sorry, रोशनी, लेकिन अब मुझे चलना होगा। Twinkle, listen. तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि यूवी का पर्दाफाश करके रहोगी, उसका झूठ सबके सामने लाओगी। ऐसा ही होगा। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम शबनम नाम की इस चुड़ैल को अपनी जिंदगी से जल्द बाहर निकालोगे। I promise you, जीत अब हमारी होगी कि मेरा प्यार सिद्धार्थ मेरे साथ है और हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। Take care of yourself. You too. Bye bye. Take care. अगर अब तुम सबका महान बनने का नाटक खत्म हो गया तो मैं अपनी सगाई की रस्म पूरी कर लूं। सगाई पूरी कर लूं?
हाँ।